यहाँ से पीछे का व्यू देखो आप, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा है इधर। हम सोच रहे हैं कि यार इधर ही बैठे रहे। ढूंढ लाए सारी मासूम सी शुक्रिया हमारे यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हर एक बंदे का दिल से शुक्रिया जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं सभी का दिल से शुक्रिया। तो भाई ये बातें छोटे पीछे, और आज के ब्लॉग का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि यार जैसे सभी को पता कि ये मतलब नवरात्रे का माहौल चला है, सब नवरात्रे हैं तो मतलब रामलीला वगैरह हो रही है, मतलब वैसे तो कोविड है पर कुछ एक शर्तों पे कोविड के उसमें है ना रामलीला हो रही है। तो भाई रात के बज रहे हैं इस टाइम करीब 7:30-8 बज रहे हैं, तो यार हमने सोचा कि क्यों ना आज नाइट आउट पे निकले, तो मतलब वहां पे रामलीला में जाते हैं, मतलब नाइट आउट भी हो जाएगा और रामलीला भी एक ब्लॉग बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं यार, वीडियो शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। निकलने के लिए तैयार हैं पर काफी ज्यादा ठंडा है यार बाहर, तो जिसके चलते आप देख सकते हैं मैंने तो डेनिम लगा लिया, भाई ने भी गर्म स्वेटशर्ट लगा ली है, तो काफी ज्यादा ठंड है अभी दो तीन दिनों से कुछ ज्यादा ही मौसम चेंज। हाँ, और अब निकल रहे हैं घर से, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हम निकलेंगे गाड़ी में, अगर बाइक में जाना होता तो हालत खराब होनी थी, अब निकल रहे हैं गाड़ी में। तो चलिए चलो, हम पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, और भाई इधर काफी ज्यादा सर्दी है भाई, और इस तरफ आप अंधेरा देखो तो भाई बिल्कुल मतलब अंधेरा है, और जा भी हम दो ही रहे बिल्कुल अंधेरे में भाई। सुबह शाम है तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है, आंखें मेरी सपना तेरा। गाइस हम पहुंच चुके आधे रास्ते पे और यहाँ पे रुके हैं यार, यहाँ का व्यू काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें, तो हमने सोचा क्यों ना यार आपको नाइट व्यू दिखाया जाए यहाँ का। और यहाँ पे गाड़ी पार्क उधर देख सकते हैं आप भाई, और यहाँ पे देख सकते हैं आप चांद निकला अच्छे से, और मैं सामने से आपको चौड़ी का व्यू बताता नाइट व्यू, तो ये देखिए यार। जिस जोर पे था झूठा मेरा हाथों से तेरे हाथ, जिसने जिसने रुलाया। पीछे का व्यू देखो आप, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा है इधर, हम सोच रहे हैं कि यार इधर ही बैठे रहे, मतलब एंजॉय करते रहे, मतलब रामलीला का जो बैकग्राउंड आपको म्यूजिक थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा, इधर से देख लेते सुन लेते, बट नहीं उधर जाना है, जाना तो फिर भी उधर ही इतनी प्यारी जगह है तो जाएंगे तो इसी जगह पे, तो हमने सोचा यार चले जाते हैं थोड़ी देर, अभी है टाइम, वैसे टाइम हुआ अभी 8 बजे हैं करीब, 8:30-9 बजे तक होगी स्टार्ट टाइम अभी, तभी तो धीरे धीरे से तुम्हारे भाई जा रहे हैं मजे मजे से। आपको व्यू बताते बताते एक बार फिर से देखे मेरे पीछे, तो यार मतलब ये देखो क्या ही बात। गाइस यार यहाँ का मतलब व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और हमारी आपसे एक बात पेंडिंग छूट रही थी जो हमने आपको घर पे बोला था कि यार काफ़ी ज़्यादा दिनों की वीडियो नहीं आई थी, इस बारे में आपसे मतलब अच्छे से रुक के बात करेंगे, तो अभी मतलब टाइम था हमें भी जाने के लिए, मतलब एक तरीके से बैठे हैं। हाँ, तो हमने सोचा क्यों ना इस मैटर पे बात करी जाए, तो यार वीडियो ना आने का जो हमारा एक रीजन था वो बड़ा एक रीजन नहीं था, इसके पीछे काफी ज्यादा रीजन सारे रीजन थे, पर जिस रीजन ने मतलब पहला जो बड़ा रीजन था हमारा यार, मतलब स्टेप वाइज आपको बताते हैं, तो पहला रीजन अपना जो पीसी था ना वो पीसी हमारा एक खराब हो गया, उसकी खराब होने की वजह मतलब कि पता नहीं क्या यार उसमें ऐसा कुछ डिफेक्ट आ गया, मतलब वो खराब हो गया, और एक ब्लॉग हमारा शूट था उसमें जो उसका सारा डाटा था ब्लॉग का वो ब्लॉग बना के मतलब बिल्कुल उसी के उसमें डाल दिया था पूरा का पूरा डाटा, और वो उसमें ही खराब हो गया, तो वो मतलब दिक्कत होगी तभी तो ब्लॉग लेने चला गया, नहीं तो कहीं और से एडिट करके डाल देते, पर डाटा उसमें था और वो किसी को नहीं हो रहा था, तो जिसके चलते एक ब्लॉग वो मिस हो गया। दूसरी बात मतलब कि यार और भी बड़े सारे काम थे, आपको वो डिटेल में बता तो नहीं सकते, पर आप समझ जाओ कि और भी बड़े इम्पोर्टेंट नेसेसरी काम थे जो मतलब एक छूटते जा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप निकलते जा रहे थे, इसी टाइम पे करना जरूरी था, और मतलब आगे नहीं तो दिक्कत हो सकती थी, तो वो सारे काम खत्म करे तुम्हारे भाई ने, वो खत्म करे एकदम से, ये हमारी इधर सेपरेट बताने का मतलब ये, काफी सारे भाई को डीएम आए, मेरे को डीएम आए कि भाई ब्लॉग कहाँ पे है, तो
इस वीडियो में वो भी बात कवर हो रही है हमारी कि वो मतलब क्या रीजन था उसका मेन। बस अब बैक टू बैक ब्लॉग आएंगे और भाई यही मैं बोलना चाहूंगा कि तबाही मचा दो यार 2000 के लिए लोगों ने बड़ी ज्यादा तबाही मचाई है। मतलब कि 5.5 महीने में 2000 सब्सक्राइबर भाई एज एन बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब 2000 सब्सक्राइबर सिर्फ 5 महीने में, मतलब नॉर्मल से बंदों के लिए भाई बहुत बड़ी बात है ये। भाई मतलब सपोर्ट आपकी है, हम खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हैं इसमें, और बाकी प्यार आपका यार, ऐसे ही प्यार चाहिए आपका। आप मतलब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हम खुद से नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब आपका सपोर्ट आ रहा है इसलिए हम थोड़ा सा खुश हो रहे हैं। तभी तो बोल रहा था मैं कि हर एक बंदे का दिल से शुक्रिया यार जिसने सब्सक्राइब किया है और जो हमें सपोर्ट कर रहा है यार। और यार मेन मेन फंडा बात का ये बन गया कि मतलब थोड़े हम मेंटली भी डीमोटिवेट हो गए थे जो हमारे साथ ये हो गया ना कांड, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेंटली भी वो हो गया कि यार निकलते चला फिर मतलब तभी तो आपका दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि भाइयों ने हमें मोटिवेट करा, हमें डीएम करे प्यार की, मतलब भाई यार करो आप करो मतलब आज वो दिन आ ही गया फाइनली। बड़े दिनों से तैयार हो रहे थे भाई, आज नहीं करते कल करते उससे करते करते कोई मेरे को लगता 15 से प्लस दिन हो गया, ज्यादा दिन हो गए बिल्कुल वीडियो ना आने का। अब वीडियो बैक टू बैक आएंगी भाई, मतलब बिल्कुल जो आप मतलब पिछले जो जिन दिनों की वीडियो नहीं आ रही थी वो भी प्लस करना और बिल्कुल तबाही कर देना भाई। अब बैक टू बैक सपोर्ट चाहिए फुल 2000 से, मतलब एक नंबर वीडियो आएंगी सारी। बस आप समझ जाओ कि भाई तुम्हारा बस स्टैंड चौड़ी पे और मेरे साथ है माणिक और अंकित। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया। और ठंड आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, तो अंकित की हालत खराब है भाई और इस समय हम प्रॉपर बस स्टैंड पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टैंड चौड़ी, और यहाँ का मैं ओवरव्यू दिखा के आपको ले चलते हैं रामलीला ग्राउंड, मतलब चौबार में आपको पीछे आवाज सुनाई दे रही होगी, तो चलते हैं उधर बताते हैं आपको आगे का व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। हमें यहाँ पे हनुमान चौक पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान चौक की यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति, और इस साइड यहाँ पे आवाज सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप चौगान, और यहाँ पे रामलीला का पूरा काफी ज्यादा बंदे हैं ऊपर की तरफ, ये कॉलेज रोड, और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो चले लड़को सारी मासूम सी। हम पहुंच चुके हैं चौगान में और यहाँ का व्यू देखे आप, तो देख सकते हैं यहाँ पे सामने रामलीला की स्टेज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रामलीला चली हुई है, और यहाँ पे सारे बंदे इस तरफ, और यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने साथी सहयोगी बैठे हैं यहाँ पे, और कैसे हो लंडो? और इस तरफ देखें आप तो कुछ ये भी आ गए हैं, मतलब वो करने पशु भी आ गए हैं रामलीला देखने के लिए, काफी बढ़िया यार। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अभी रामलीला को एंजॉय कर रहे हैं, हमारी आवाज थोड़ी पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और भाइयों को आ रही है ठीक है, हमें तो नहीं आ रही, हम तो डिनर घर जाके करेंगे, भाई बोलते हम करके आए हैं भाई, हो रहा थोड़ा थोड़ा एंजॉय, ठंड भी काफी है। So guys, मैं और मोंटू आप जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, ले आने के लिए कुकर वगैरह ले आते हैं, भाई बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, मतलब नींद आ रही है फालतू की, तो हमने सोचा क्यों ना यार कुछ ले आते हैं जाके, तो क्या लेंगे आप यार, देखते भाई कुछ दुकान खुली होगी तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। जो हम ढूंढ रहे थे खाने के लिए वो हमें मिला नहीं, और अब कुछ और ही ले लेते हैं। सही बात है यार, वो सच्ची में नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे थे वो जो क्या बोलते हैं उनका, हाँ पॉपकॉर्न वगैरह होते हैं, वो इधर हमें कहीं मिला नहीं, पहले होते थे यार इधर पर अब नहीं मिला, और एक शॉप और है सामने, उधर जाके देखते हैं हमने अब क्या लेना है। आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह
भाई कुछ खाने के लिए, पता नहीं क्या लेता है भाई। हमने ले लिया कुछ सामान, ये थोड़ी मूंगफली और कुरकुरे, और अंदर जाके यही मिला है। चलो अंदर जाके देते हैं उनको जो अंदर बिठाए। इंटरेस्टिंग सा सीन आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे बंदे उठ के चले गए हैं और पीछे जो स्टेज पे पूरा अंधेरा सा हो गया है। तो आप देख सकते हैं आपको बैक कैमरे से बातों में उनको सीन काफी ज्यादा अच्छा था ये, पर आपको बता नहीं सकते ड्यू टू भाई कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जिसके चलते हम ये आपको सीन नहीं बता सकते। तो स्टेडी और बाद में मिलते हैं आपसे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, करीब 10:30 हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पे रामलीला का प्रोग्राम चला है, पर अब हम निकल रहे हैं घर को क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और गाड़ी वगैरह कर दिए पार्क और अब निकल गए घर जाना गाड़ी से। तो यार काफी ज्यादा थक गए हैं, नींद भी आ रही है, मतलब टाइम ज्यादा हो गया, करीब 11 बज गए हैं ना, 11 बज गए हैं, तो मतलब काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। आई होप यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। और हाँ यार, जो भी फर्स्ट बार जो भी हमारे चैनल को विजिट करता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जिस छोर पे था झूठा।